नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुबोध शर्मा है। आप लोगों के सपोर्ट के साथ हमने इसके शेविंग एंड स्किन केयर आइटम्स काफ़ी लॉन्च किए हैं इंडिया में। आज का वीडियो जो है कुछ चीज़ों के साथ हम शेयर करेंगे। एक है हमारा नया शेविंग क्रीम जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। उसके बाद हम उसके साथ साथ हम फेशियल ऑयल यूज़ करेंगे ओडन सैंडलवुड का। हमारा जो बोर ब्रश है और ओपन कॉम रेज़र जो है दोनों हम यूज़ करेंगे उसके साथ। उसके बाद फिर हम आपरशेप बाम भी जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो ओपन कॉम रेज़र OC70 एंड बोर शेविंग ब्रश मेरून हैंडल 28 मिलीमीटर नॉट। तो इन सब को यूज़ करेंगे। एट द एंड विल यूज द आपरशेप बाम फ्रॉम ओडन सैंडलवुड अगेन। बट बिफोर एवरीथिंग मेरे पास अभी कम से कम 6 दिन की शेव है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, शेविंग करने में आसानी रहे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मोरक्कन क्ले ओडन सैंडलवुड फेस वॉश जो नेचुरल है। एंड उससे एक तो स्किन थोड़ी सी बेटर हो जाएगी और उसके बाद हमारा जो सॉफ्टनेस है स्किन की वो काफ़ी हो जाएगी ताकि हम शेव आराम से कर सकें। तो उसके साथ ही शुरू करते हैं फिर शेव करना एंड लेट्स गो अलोंग। तो वेलकम बैक अगेन। एंड अभी मैंने मोरक्कन क्ले ओडन सैंडलवुड जो फेस वॉश है वो लगा रखा है चेहरे पे। अभी आई थिंक 5 या 6 मिनट हो गए हैं, तो आई जस्ट वेट फॉर अदर 5-6 मिनट्स। कंपेयर टू अदर फेस वॉशेज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़ आई हैव इज़ कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं आईज के आसपास, तो उसमें इतने केमिकल्स हैं द आई स्टार्ट ट्रबलिंग मी। सो आई प्रिफर ये जो नेचुरल मुल्तानी बेस्ड मिट्टी के साथ हमने बना रखा है फेस वॉश वो मैं प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इसके साथ एक्चुअली मैं कई बार मैं ये लगा के अपना काम करता रहा, अपनी चाय पीता रहा एंड थोड़ा सा और भी कुछ काम हो, एज लॉन्ग एज मुझे जंप या एक्सरसाइज ना करनी पड़े मतलब वो करते रहो अपना। 5-6 मिनट छोड़ेंगे क्लेंस हो जाएगा स्किन, 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे तो अच्छी तरह थोड़ा सा रब करके आपने उसको निकाल सकते हैं। आधे घंटे से ऊपर करेंगे तो रफली लाइक अ फेस पैक की तरह बन जाएगा वो, और फिर आप उसको रगड़ के निकाल सकते हैं। बट ईदर वे जब भी आप इसको निकालें तो निकालने के बाद जो एक इरिटेशन या ड्राई स्किन वाली जो फीलिंग आती है नॉर्मल फेस वॉशेज वो आपको इसमें नहीं आएगी, ना इसमें आएगी, ना नीम वाले में आएगी जो हमारा एक और फेस वॉश है, ना आलमंड सैफ्रन में आएगी जो एक और थर्ड फेस वॉश हमने धो दिया है। और मेरे पास एक मग पानी का आ गया है, तो वो मैं यूजली क्या करता हूँ कि नंबर वन शेव करते वक्त ना गरम गरम बॉइलिंग वाटर नहीं यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है नरम पानी। तो ये 1 इंच के आसपास मैंने बॉइल्ड पानी कर लिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको ठंडे पानी से मिक्स करके ताकि नरम पानी हो जाए। वो करने के बाद मतलब रफली 2 मिनट बाद हम शेव शुरू करेंगे। तो मैंने अपना जो बोर ब्रश है वो इसके अंदर डाल दिया और साथ में ओपन कॉम जो है इसके अंदर बाय द वे फेदर के लिए ब्लेड लगा रखी है तो वो मैंने डाल दिया। नाउ पहला काम है कि आप अपना अपने फेस को थोड़ा सा गर्म पानी से कवर कर लो, ओके। एंड उसके बाद 2 स्क्वर्ट्स फेशियल ऑयल लेके उसको अच्छी तरह फेशियल ऑयल मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़रूरत वाली चीज़ है। कई बार मैं ट्रैवल करते वक्त मैं भूल जाता हूँ कि फेशियल ऑयल लेके जाना है, तो उस समय अगर क्रीम या सोप पिंक होल वाला हो तो मेरे लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहता है, उसमें काफ़ी मॉइस्चराइजिंग एबिलिटीज हैं। तो ये हो गया है हमारा एंड नाउ विल स्टार्ट लादरिंग अप द शेविंग क्रीम दिस वन एंड द बोर ब्रश। तो बोर ब्रश में अभी आपका पूरा जो है इसमें ड्रॉप्स अभी भी निकल रहे हैं, तो वरल मैं क्या करूँगा कि स्क्वीज करके उसको जितना भी पानी निकालना है वो निकाल दिया मैंने, और फिर इसके साथ लेके थोड़ा सा इसमें स्वर्ल्स किए। तो पहला जो मेरा पर्पस ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पूरे ब्रश को अच्छी तरह लोड कर सकूँ ब्रश के मतलब जार के अंदर ही, एंड फिर उसके बाद इसको शुरू कर दो लगाना जो है। तो क्योंकि 6 दिन की है शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़े, पर तो ऐसी कोई जरूरत मेरे को अभी लग नहीं रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
आप थोड़ी सी सूखने वाली शेविंग क्रीम हो रही है, तो मैं इसको शेविंग क्रीम और ना लेके मैं इसको थोड़ा सा डिप करूँगा पानी में एंड दोबारा अप्लाई करूँगा, तो उससे जो है आपकी क्रीम की जो मॉइस्चराइजेशन है, मॉइस्चर जो है क्रीमी पार्ट जो है क्रीम का, वो वापस बाहर निकलेगा। आई थिंक नाउ दिस इज अ गुड लादर। कई बार ये लादरिंग जो है मैं घर में घूमते हुए भी करता रहता हूँ मैं, बट आज के पर्पस के लिए आई थिंक 1-2 मिनट जो है उतना काफ़ी है। ऑलराइट, तो फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं फिर ओपन कॉम्ब रेजर से। पहला स्टेप है कि यहाँ पे पकड़ के एक बार एक स्ट्रेट लाइन मार लें ताकि वो हो जाए एंड इट्स गोइंग थ्रू स्मूथली। तो पहला जो 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 मेरी शेविंग है वो बेसिकली है फर्स्ट पास में टॉप डाउन ऊपर से नीचे तक, और फिर सेकंड पास में डाउन अप, तो बेसिकली नीचे से ऊपर तरफ जाता हूँ मैं, ठीक है। और चेहरे को मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है, लेफ्ट वन साइड ऑफ द ब्लेड, राइट सेकेंड साइड ऑफ द ब्लेड, देन रिंस किया, फिर उसके बाद नीचे वाला जो है एक साइड ऑफ द ब्लेड ये, और दूसरी साइड ऑफ द ब्लेड ये वाला, और फिर ऊपर का और थोड़ा सा इधर का एक साइड ऑफ द ब्लेड, और फिर बाकी जो है चिन एरिया वो सेकेंड साइड ऑफ द ब्लेड। तो 3 उसमें मेरी शेप हो गई। तो ये अभी तक था हमारा फर्स्ट साइड, लेट्स गो टू द सेकंड साइड, मेक श्योर दैट द होल थिंग इज बैलेंस्ड, एंड यस इट इज, आई होप सो। एंड ये आपका हो गया एक साइड ऑफ द फेस विद बोथ साइड्स ऑफ द ब्लेड। एक बार इसको रिंस कर दिया अच्छी तरह, एंड उसके बाद हम इसको नीचे वाला पार्ट जो है उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर रिंस करने के बाद थोड़ा सा आप गर्म पानी में हल्का सा इसको शेक कर लो, और फिर उसके बाद शुरू कर लो, सॉरी नीचे वाला नहीं ऊपर वाला पहले। तो ये आपका हो गया चिन के ऊपर का, नेक एरिया के ऊपर का सारा जो है वो दो उसमें हो गया। दोबारा इसको रिंस करते हैं एक बार, एंड उसके बाद फिर नीचे का स्टार्ट करेंगे। वंस अगेन रिंस करने के बाद गर्म पानी में थोड़ा सा कर दो थोड़ा नीचे का, बीच बीच में आपने देखा होगा कुछ जगह पे स्किन खींचना है, कुछ कुछ जगह पे लूज करना है, वो सब जो है वो आपके एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे जैसे आप शेव करते रहोगे आपको मालूम पड़ेगा कि नंबर 1 बाल किस तरफ ग्रो कर रहे हैं, और नंबर 2 किस तरह से स्किन खींचने पे या लूज करने पे आपको स्मूथ शेप अल्टीमेटली मिलेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पास जो अभी हो चुका है। इसके बाद रिंस कर दिया रेजर को,
और मैं दोबारा एक बार गर्म पानी नरम पानी जो है मुंह पे लगा लिया। पीछे की जरूरत है नहीं। ये हमारा जो फर्स्ट पास में जो शेविंग ब्रश था वो उसकी बचा हुआ है, तो एक बार दोबारा देखते हैं। और फर्स्ट पास में यूजली 90-95% जो है प्री मतलब आपका काम हो चुका होता है। इनकेस अगर आप जल्दी में हैं तो फर्स्ट पास करके, प्रॉपर फर्स्ट पास करके आप अपने ऑफिस या जो भी काम है वो कर सकते हो। सेकंड पास इसलिए मैं करता हूँ बिकॉज एक स्मूथ शेप चाहिए। इसमें ना मैंने अभी दोबारा लागर लिया है, ना क्रीम ली है, ना कुछ पानी ऐड किया है, सिर्फ फर्स्ट पास का जो है बोर्ड ब्रश वही चल रहा है अभी तक। थोड़ा सा मैं इसको डिप करके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा फ्यू सेकंड्स में लगाऊंगा लादर बनाने के लिए। एंड आप देख रहे हो जितना ज़्यादा क्रीमी लादर बनेगा उतना ज़्यादा आपको स्मूथली, बिकॉज सेकेंड पास में आपको अगेंस्ट द ग्रेन एंड साइडवेज वगैरह वो सब करना है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पास का लादर हो गया। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट पास में टॉप टू बॉटम है और सेकेंड पास में बॉटम टू अप है, तो अब हम जाएंगे नीचे से ऊपर। पहला पास जो है ये आपका प्री मच स्मूथ हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है तो हल्का सा मैंने साइड बेस लगा दिया, वो भी हो गया। दूसरी साइड ब्लेड का यूज करते हुए नाउ मेरे केस में इस तरफ जो है बाल नीचे की जगह थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो हमेशा मैं मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे वो करना पड़ता है। ओके, नाउ अगेंस्ट द ग्रेन ऑन चीक जो है मैं यूजली नहीं करता हूँ, तो व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट ऑफ विद गोइंग टॉप टू बॉटम। इसी में आपको आवाज से मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। और फिर मैं अगेंस्ट वाला शुरू कर दिया, ये हो गया आपका ये साइड। अब दूसरी साइड का ब्लेड एंड हमने यहां पे किया है इसको सेम प्रोसीजर ऊपर से नीचे, और फिर एक पॉइंट पे उसको टर्न करके अगेंस्ट द ग्रेन करना है। ये इतने मजाकिया शक्लें बनती हैं शेप करते वक्त, तो मैं खुद मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि इतनी डिफरेंट शेप्स बनती है यू नो फेस की। तो एनीवे रिंस कर दिया है उसको, वापस कर दिया है। लिप्स के ऊपर जो मुस्ताच वाला एरिया है उसको मैं हमें कभी भी उल्टा नहीं करता बिकॉज सीधे में ही काफ़ी अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। तो और ये अपना ऊपर का हो गया है, लेट्स टेक दी अदर साइड ऑफ द ब्लेड एंड डू दी अदर चिन एरिया। लिप्स के नीचे वाला पार्ट सीधा मेरे से कभी नहीं होता, तो हमेशा मैं उल्टी ही शेप मारता हूँ इसमें, इवन फर्स्ट पास में भी।
ना थोड़ा सा जीप को अंदर से पुश करके ये करके, ताकि कुछ बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही दबे होते हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएं ताकि उसको काटने में आसानी हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखें कि इस एरिया में जब आप शेव कर रहे हैं, मुस्टैश एंड बियर्ड, फ्रंट बियर्ड एरिया जो है, चिन वाला जो एरिया है, दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इरिटेशन, कट्स, नेक्स एंड एवरीथिंग एल्स, एंड इवन इनग्रोन है। जैसे आपने किसी छोटे से किसी बच्चे को पकड़ रखा हो, चाहे इंसान को हो चाहे चिड़िया को हो, बहुत ही हल्के तरीके से पकड़ना है रेजर को, बहुत ही हल्के तरीके से। जितना आप टाइट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इरिटेशन बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा कट्स आएंगे आपके। तो आपने बहुत ही हल्के तरीके से पकड़ना है। जो रेजर का हैंडल का जो वेट है उसको काम करने दीजिए, ठीक है। इसीलिए उसका डिज़ाइन के हिसाब से उसका हेड जो है, हैंडल है, वो आपका थोड़ा सा हैवी रहता है, राइट। जितना आप उसको करने दोगे उतनी ज़्यादा आपको स्मूथ शेप मिलेगी। और ये हमारी प्रिटी मच सेकेंड शेप हो चुकी है, यहाँ पे हो गया है, ये चेक कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है मेरे को कि अगेंस्ट भूल गया हूँ। तो जस्ट अ माइनर थिंग, एंड कुछ लोग शायद इसको हल्का सा मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, और वो फर्स्ट पास वाला जो क्रीम लादर है वही चल रहा है अभी तक। एंड दैट्स इट, वी आर डन फॉर द स्मूथ शेव ऑफ टुडे। आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल, विच इज उसके बाद जो है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कुछ चीज़ें जो हैं वो साफ भी करनी है इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रश है, एक्सक्यूज मी, ब्रश है वो अभी तक मतलब फर्स्ट लादर का, फर्स्ट पास का लादर चल रहा है उसमें, तो इसको साफ करते हैं। एंड बाकी चीज़ें जो भी हमने यूज़ की हैं उनको साफ करके प्रॉपर अपनी जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो वो करते हैं फिर। ऑलराइट, तो हमने चेहरा रिंस कर लिया है ठंडे पानी से, एंड उसके बाद रनिंग वाटर के अंदर जो है शेविंग ब्रश को साफ कर रहे हैं इस समय। तो उसमें क्या करना है आपने, बेसिकली आपको खींचना नहीं है ब्रिसल्स को बिल्कुल भी, उसकी जो ग्लू है वो लूज हो जाएगी। तो हल्का सा आपने क्या करना है, पानी के नीचे रख के आपने इसको जो है इस तरह मतलब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ये करना है, ताकि अंदर का जो शेविंग क्रीम या जो लादर का जो रेजिड्यू बचा हुआ है वो सारा आप निकाल सको। उसको स्क्वीज करके इसको जो है टर्न ट्विस्ट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ऐसे स्क्वीज कर दो ताकि जितना भी पानी है वो सब निकल सके एंड वो हो जाए। फिर उसके बाद आप सुखाने के लिए इसको यहाँ पे टांग लो, ठीक है। अगली सुबह आपके पास वो ब्रश जो है तो बिल्कुल रेडी मिलेगा। प्री शेव ऑयल की बॉटल जो है पैक करके रख देते हैं यहाँ पे। अब हमें लगाना है आफ्टर शेव बाम। तो कोई भी आफ्टर शेव लगाने से पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप आफ्टर शेव लगाना है तो मेक श्योर कि आपका स्किन मॉइस्ट हो। अगर आपका ड्राई होगा ना तो आफ्टर शेव का कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड स्पेशली ये हार्मफुल है जिनमें जिन आफ्टर शेव में अल्कोहल होता है। उसमें क्या होता है, अगर आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो उसका जो अल्कोहल है वो आपके स्किन के साथ एडवर्सली रिएक्ट करेगा और आपको ड्राई शेविंग, ड्राई स्किन एंड जो इरिटेटेड स्किन जो है वो आपको फील होगा। तो हल्का सा मॉइस्चर उसमें रहने दीजिए। बाम का बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है। आपने सिर्फ दो स्क्वाट्स लेने हैं, इतना। ये है 50 ml का, परंतु इट वर्क्स लाइक ऑलमोस्ट एज इफ इट्स 120-150 ml। द रीज़न इज इसकी जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो इसको हल्का सा ये करके और अगेंस्ट द ग्रेन वगैरह आपने कर लिया। कई बार गलती से मैं मॉइस्चराइजर समझ के, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वाले
उसमें काफ़ी मॉइस्चराइज़र हमने डाल रखे हैं, तो उनको जो है लिटरली मैं उसी हाथ से माथे पे और वगैरह वो कर देता हूँ। ना मैंने अभी जाना है थोड़ी देर में दिल्ली किसी काम से, तो मैं उसके बाद आने के बाद फिर कुछ और काम है दो तीन और जगह, तो मैंने आज लगाना है सनस्क्रीन SPF 30 सी बकथॉर्न की फ्रेगरेंस में। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगेन आपने सिर्फ दो स्क्वर्ट्स लेने हैं, ठीक है, एंड इतना जो है वो ले लिया आपने, जो हाथ हैं जो एक्सपोज होंगे, इवन इफ अगर आप फुल स्लीव शर्ट पहन रहे हो तब भी लगा लो, एंड उसके बाद थोड़ा सा जो बचा है आफ्टर शेव के ऊपर आप लगा लो। आपने देख लिया बिल्कुल अच्छी तरह कि ये क्विक टू एब्जॉर्ब है, इट्स नॉट स्टिकी, एंड जब आप बाहर जाएंगे तो आपको पसीना एक्स्ट्रा नहीं आएगा बिकॉज इसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, एक स्मूथ शेप थी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, एंड आई थिंक घर वाले भी पहचान नहीं गया कि दाढ़ी के साथ अभी चल रहा था, मेरे खुद इरिटेशन हो रही थी इतनी सारी दाढ़ी के साथ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करें चैनल पे, अपने आइडियाज़ क्वेश्चंस कमेंट्स जो भी हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड वी आर लुकिंग एट मेकिंग अदर वीडियोस एज वेल, सो लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू नीड एंड विल बी हैप्पी टू मेक देम। हैव अ वंडरफुल डे एंड सी यू सून एट pinkwolf.com।